शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्र के मोदी सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों के निगमीकरण करने के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन। रक्षा क्षेत्र को गत 200 वर्षों से विविध आयुध व आवश्यक सामग्री का निर्माण करने वाले देश के 41 आयुध निर्माणियों के केंद्र को मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में आकर लॉकडाउन स्थिति का अनुचित लाभ लेते हुए निगमीकरण के देश विरोधक फैसले से आयुध निर्माणी कर्मचारी व उनके परिवार आक्रोशित है व आहत हुए हैं। इस निर्णय का आयुध निर्माणी अंबाझरी के रेड इंटक लोकशाही कामगार यूनियन तथा ऑफिसर एसोसिएशन ने भी तीव्र विरोध दर्शाया है तथा इस देश विघातक निर्णय के खिलाफ तीव्र आंदोलन की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत आयुध निर्माणी अंबाझरी के भीतर प्रवेश द्वार क्रमांक 3 के समक्ष रेड यूनियन पदाधिकारियों कॉम्रेड गिरीश खाड़े, विनोद कुमार, आशीष पासघरे, विनोद रामटेके, राकेश खाड़े, रिजवान अंसारी, देवा शिरसागर, सुनील मंडाले, उमेश गोमा से, उमेश काप से, सिरिल पेंड्रो बीरे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी अरविंद सिंह, चेतन कुमार, प्रवीण महल्ले, लोकशाही कामगार यूनियन संगठन के पदाधिकारी जगदीश गजभिये, वेद प्रकाश सिंह, सुदर्शन मेश्राम, सतीश बागड़े आदि के नेतृत्व में जोरदार निदर्शन में मोदी सरकार मुर्दाबाद, निगमीकरण नहीं चलेगा, उद्योगपति की सरकार नहीं चलेगी, देश की सुरक्षा निजी हाथों में सौंपना नहीं चलेगा, झूठी सरकार, हाय हाय, काम के 12 घंटे अन्यायकारक निर्णय वापस ले, इस तरह के नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रमुख जेसीएम सदस्य बीबी मुजुमदार नेता के मार्गदर्शन में कहा कि मोदी सरकार का इस निर्णय के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जारी किया गया है। लॉकडाउन समय का अनुचित लाभ लेते हुए केंद्र सरकार ने यह देश सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले में एक तरफा निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र की ओर रक्षा उत्पादन सौंपना देश के सुरक्षा से खिलवाड़ व गुप्तता भंग करना होगा। सरकार के मजदूर विरोधी निर्णय के खिलाफ देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी कामगारों का तथा समर्थन जुटाने हेतु 15 जून से 17 जून तक कामगारों से मतदान प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त की जाएगी। पश्चात लॉकडाउन के पूर्व शिथिलता पश्चात देशव्यापी हड़ताल व परिवार सहित रास्ते में उतरकर तीव्र आंदोलन का निर्णय भी घोषित किया गया। देश भर के 41 आयुध निर्माणियों में यह आंदोलन एक साथ कर मोदी सरकार को यह निर्णय वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आर्थिक बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेशन करने का फैसला लिया है। हम और हमारा फेडरेशन इस फैसले का पूरी तरह विरोध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में देश की सुरक्षा के लिए इन संस्थाओं की उत्पत्ति की गई थी। 200 साल पुराना ये संस्था है और ये सरकार इन संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, और वो भी इस परिस्थिति में जब पूरे देश में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी ये जो रक्षा संस्थान है वो रक्षा के संस्थान के साथ साथ ही जब देश पर पूरी विपत्ति आई तो डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने ही सैनिटाइजर्स बनाए, बेड्स बनाए, हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे रिसर्च करके इस सरकार के लिए हेल्प किया, सहायता किया। लेकिन इस सरकार ने इससे पहले हमारा 3 टर्म का DA फ्रिज कर दिया, साथ ही साथ अभी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों कॉर्पोरेशन करने का खिलाफ फैसला लिया है। मैं विनोद कुमार ऑर्डिनेंस एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से इसका पूरी तरह विरोध करता हूँ। साथ ही साथ तीनों रक्षा क्षेत्र में कार्यरत फेडरेशनों के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उसी के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में ऑर्डिनेंस एम्प्लॉय यूनियन द्वारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन और लोकशाही कामगार यूनियन संगठन द्वारा यहाँ पर संयुक्त कृति बनाकर इस सरकार के विरोध प्रदर्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में किए जा रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों ने 1 जून से 6 जून तक स्लोगन शॉर्टिंग और सरकार के विरोध में नारेबाजी का कार्यक्रम किया। इन बीच न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।